कि जल से तुम्हें तुम्हारे भयानक रूप से छुटकारा मिल सकता है तो चलो मेरे साथ उस विशाल नदी के पास, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। औरत, यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी के जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो या नहीं। इसके बाद ही तुम मेरी मदद कर पाओगी, नहीं तो हमेशा के लिए इस विशाल नदी में समा जाओगी। बबली अपना सर हाँ में हिलाती है और जैसे ही नदी के जल में हाथ डालती है तो बबली के हाथ पर खूब सारी तितलियां आकर बैठ जाती हैं। लेकिन बबली को कुछ नहीं होता है, जिसके बाद बबली अपने हाथों में वह नदी का पानी लेती है और अपने हाथों से भयानक औरत को पीला देती है। उसके ऐसा करते ही भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वह एक साधारण रूप में आ जाती है। औरत, अरे वाह, देखो मैं फिर से अपने रूप में आ गई हूँ, अब कोई मुझसे नहीं डरेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम वाकई एक नेक दल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल सका। बबली, अरे तुम अपने पहले वाले रूप में आ गई, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। तुम्हारा वो भयानक और डरावना रूप तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जा सकती हो, तुम्हें कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, कुछ समय बाद बबली, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? तुम देखने में बहुत ही भयानक हो। मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, जाने दो। बूढ़ा, अरे रे बबली बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये एक जादुई नदी है जिसका स्वामी मैं हूँ। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मेरी ही माया थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बबली, अरे क्या आप सही बोल रहे हैं? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये काला और भद्दा रूप ही है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है, और इसकी वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी सहायता कीजिए। बूढ़ा, ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बबली, तुम रुको जरा, तुम्हारी ये परेशानी अभी हल किए देता हूँ बेटा। देखो बबली, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो, तुम्हें अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। बबली, अरे वाह वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई, बहुत ही सुंदर। अब कोई चाहकर भी मेरे रूप को नहीं कोस पाएगा, और माँ जी तो मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ, जिसके बाद बबली अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके सास बैठी रो रही होती है। बबली को देखते ही वह खुश हो जाती है। विमला, अरे बहू आ गई तू, कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे, बता कहाँ गई थी? और ये क्या बबली बहू, तेरा तो पूरा रूप ही बदल गया, आखिर ये सब हुआ कैसे, बता मुझे। बबली, देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ देखिए तो, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, देखिए देखिए। और ये सब उस नदी के कारण हुआ। विमला, अरे क्या बोल रही है बबली बहू, विशाल नदी, क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला? बबली, हाँ माँ जी, विशाल नदी, ये सब उसके ही कारण हुआ है। विमला, अरे क्या तू सच बोल रही है? अरे वाह बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। लेकिन बहू, अब मुझे तेरे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू कितनी अच्छी है, तेरा दिल एकदम साफ और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने, मुझे माफ कर दे बहू। बबली, नहीं नहीं माँ जी, आप चुप हो जाइए,
मैंने आपको माफ कर दिया। आप मेरी विमला काकी हैं, इसलिए मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। हाँ, दोनों आपस में गले मिलते हैं।